Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel and आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज। अगर आप SSC रेलवे और अन्य जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हो एंड दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। सो देखिए ये रोजाना 7 से 8 के बीच में उपलब्ध हो जाती हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे एंड आज है 3 जनवरी। सो करंट अफेयर्स आप मुझे बताइए कि अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किनके द्वारा की गई है। और ये बहुत अच्छा होगा कि आप अगर मुझे 3 द्वीपों के नाम भी बताएं कमेंट में क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को कल कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली इंडियंस द स्टोरी ऑफ एसिस्ट एंड वेयर वी केम फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है एंड स्टैटिक्स आप मुझे बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन को मैंने कल के करंट अफेयर्स में कवर किया था तो आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। एंड अब हम बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आपसे पूछा था करंट अफेयर्स पार्ट से कि किस शहर में राष्ट्रपति ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया तो ये इन्होंने किया मुंबई में। एंड किस मंत्रालय ने अगले 4 वर्षों में भारत के साथ रामेश्वरम अरब सागर को फिर से जोड़ने के लिए भारत के पहले लिफ्ट पुल के निर्माण की घोषणा की है तो ये रेलवे मंत्रालय ने घोषणा की है। ठीक है और स्टैटिक्स मैंने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क माउंट हेरियार नेशनल पार्क रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गलौथिया नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। एंड मैंने आप सबके आंसर्स देखे थे कमेंट पढ़े थे आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर सही थे वेरी वेल डन। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज। आज का हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे हम NALSA नालसा भी कहते हैं का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पहले है क्या ये समझ लीजिए। इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। ठीक है ताकि समाज में जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन्हें मुक्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके और लोक अदालत का आयोजन किया जा सके। तो पहली चीज़ तो ये समझ आ गई कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या। अब देखिए इसके नए कार्यकारी जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इनका नाम है जस्टिस AK सीकरी। ऑप्शन है हमारे ए जस्टिस AK सीकरी। एंड देखिए ये जस्टिस मदन बी लोकुर जो कि ऑलरेडी मतलब रिटायर हो गए थे ना तो इनका पद खाली था तो अब जस्टिस AK सीकरी को इनके पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन है हमारे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं इनका नाम है जेयर बोल्सनारो। ऑप्शन है हमारे ए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में अपने पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस जिसे LNG कहते हैं हम आयात टर्मिनल को चालू करेगा। तो देखिए ये करेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में जो एन्नोर है वहाँ ये अपना पहला LNG आयात टर्मिनल को चालू करने वाला है। ठीक है जिसे IOC ने खुद बनाया है इंजन ऑयल ने इसे खुद बनाया है। और आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि इंजन ऑयल के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर JB राणा ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। तो देखिए न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर JB राणा जी नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ऑप्शन है हमारे ए नेपाल। इसके साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी। और देखिए शमशेर JB राणा जी ने ओम प्रकाश मिश्रा को रिप्लेस किया है ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का 44वां वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है तो ये किया गया कोची पड़ता है केरला में ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन है हमारे बी कोची। और देखिए किया जाएगा होगा मतलब तो देखिए ये 20 से 22 फरवरी 2019 के फरवरी में 20 से 22 तारीख तक ये आयोजित होगा और इनका थीम होगा ब्रांड धर्म। ठीक है और देखिए ये पहली बार है जब इसका आयोजन किसी भारतीय शहर में किया जा रहा है क्योंकि इसके पहले ये कभी भारत में नहीं हुआ है। पहला हुआ था Washington DC में फिर मास्को में फिर बीजिंग में बट ये पहली बार है कि ये भारत में हो रहा है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कोची में होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गृह मंत्रालय ने किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज करने के
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव आ गया थी कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज हो जाएगा, तो ऑफिशियली इन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। अदरवाइज आप कहोगे कि मैम इलाहाबाद का ही तो नाम प्रयागराज चेंज किया गया, बट हाँ ऑफिशियली नहीं हुई थी। जब तक एक चीज़ इस क्वेश्चन में मैं समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी कोई भी जगह का जब नाम चेंज होता है ना, तो सबसे पहले ये प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, इन सबके पास से गुजरता है। एंड एट लास्ट जब ये फिर ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है इसकी पुष्टि, ताकि किसी भी शहर, नगर या गांव का नाम समान ना हो, ठीक है। तो इसके बाद ये इसकी पुष्टि के लिए ये गृह मंत्रालय में आता है, तो गृह मंत्रालय में ने भी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के लिए इसे मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है हमारे ए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझिए, इस क्वेश्चन को ऐड करने का मेरा मकसद यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC का अंतरिम चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? LIC जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त हुए हैं हेमंत भार्गव। ऑप्शन है हमारे ए, हेमंत भार्गव। एंड जी हाँ, देखिए 21 दिसंबर 2018 को देखिए वीके शर्मा जी 31 दिसंबर 2018 को रिटायर कर गए, तो इनके पद को संभाल लिया हेमंत भार्गव ने। ऑप्शन है हमारे ए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। और देखिए, इसरो के द्वारा छात्रों के साथ संवाद नामक एक पहल की गई है, इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि इनका लक्ष्य है कि भारत भर में जितने भी यूथ हैं, मतलब जितने भी युवा हैं, उनके अंदर की वैज्ञानिक कार्य क्षमता को उन्हें जानना है, उससे उन्हें परिचित करवाना है। उसके लिए ये इसरो के द्वारा छात्रों के साथ संवाद विद स्टूडेंट्स नामक ये नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, और जिसमें 40 बच्चे थे और 10 टीचर्स थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसमें, और ये ध्यान रखिए कि इसमें के सिवान जो कि इसरो के चेयरमैन है वो भी शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में, ये बात हो रही है कि ये किस शहर में हुआ, ये बैंगलोर में हुआ। ऑप्शन है ये बैंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक के CEO एंड MD शिखा शर्मा ने 31 दिसंबर 2018 को वे रिटायर हो गई हैं? ये क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखना, बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं आप, इसे ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिखा शर्मा अपने पद से रिटायर हो गई हैं 31 दिसंबर 2018 को, जो कि एक्सिस बैंक के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थी। तो ऑप्शन है हमारे ए, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किन को एक्सिस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया? जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, शिखा शर्मा जी CEO और MD के पद से टायर हो गई, तो अब नए CEO और MD एक्सिस बैंक के कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ऑप्शन है हमारे बी। याद रखिएगा, अब एक्सिस बैंक के नए CEO और MD जो होंगे, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2019 से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं होगा? OPEC, इसे हम कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये, ठीक है। और इसमें से एक देश है जिन्होंने अपनी सदस्यता ख़त्म कर दी, ठीक है। अब से ये 2019 से इसका सदस्य नहीं कहलाएगा, तो ये है कतर। ऑप्शन है हमारे ए, कतर। एंड इसके बारे में देखिए, ये LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो है, इसका ये दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। और OPEC के बारे में मैं बता दूँ, इसमें टोटल 15 कंट्री थे, ये 1960 में बना था, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए, कतर। कतर जो है अब इस OPEC से हट गया है, अब कतर को ऐड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कतर हट गया, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश वर्ष 2018 के अंत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से अलग हो गए हैं? देखिए, ये कौन से देश हैं जो 2018 के अंत में यूनेस्को से अलग हो गए हैं, ठीक है। यूनेस्को जो कि जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड की जितनी भी धरोहर स्थल है, आपने देखा होगा कि कुछ नेशनल पार्क या कुछ ऐसे कुछ जगह होते हैं जैसे कहा जाता है ना कि यूनेस्को साइट है,
क्यों? ताकि देखिए यूनेस्को करता क्या है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड का ही मान लीजिए जितने भी धरोहर स्थल होते हैं ना, उसकी सूची को वो रक्षित करता है, और रक्षित मतलब उसकी रक्षा करने के साथ साथ इन धरोहरों का वो संरक्षण करता है। ये सारी चीज़ें यूनेस्को के अंडर आती हैं, ठीक है। यूनेस्को धरोहर स्थलों का ध्यान रखता है, ये सिंपल में समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से दो देश जो है 2018 के अंत में अलग हो गए हैं, तो एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल, दोनों हैं। याद रखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका और इजराइल ये दोनों देश जो हैं अलग हो गए हैं 2018 के अंत में यूनेस्को से, ठीक है। और एक चीज़ आप और भी ध्यान रख सकते हो कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना वो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है विनोद कुमार यादव। ऑप्शन है हमारे ए, विनोद कुमार यादव। देखिए दक्षिण मध्य रेलवे के ये जनरल मैनेजर हैं विनोद कुमार यादव जी, और ये अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चंस मैं 2-3 दिन से कवर कर रही हूँ, तो इससे मैंने सोचा कि शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। देखो मैंने क्या बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे अब, ठीक है। हैदराबाद में जो स्थित है उच्च न्यायालय वो तेलंगाना का हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय बनाया गया है जो कि मिला के अब वो हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन में मैं बात कर रही थी कि किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हो गए हमारे सी, ठीक है। और एक बात, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? अब यहाँ बात आ रही है, जैसा कि मैंने कहा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग हो गए हैं, अब दोनों के न्यायाधीश का भी आप नाम ध्यान रखिए। तो तेलंगाना के नए न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है थोटाथिल बी राधाकृष्णन, ऑप्शन है हमारे ए, ये है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं श्री प्रवीण कुमार, ऑप्शन है हमारे बी। और तेलंगाना के आप याद रख सकते हैं थोटाथिल बी राधाकृष्णन। एंड द लास्ट वन, किस राज्य द्वारा हाल ही में गौ कल्याण सेस लगाए जाने की घोषणा की है? गौ कल्याण सेस, सेस क्या है? सेस को एक तरह से आप टैक्स कह सकते हैं, तो गौ कल्याण टैक्स लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है, और इससे इसका उपयोग होगा गौ आश्रय स्थल बनाने में और उनकी देखभाल करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 3 जनवरी 2019 के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आप मुझे अनअकैडमी पे नैना दुबे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।